हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 7 साल की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, पर्यावरण, जिसको हमने ऑलरेडी काफ़ी हद तक पढ़ लिया है। आज हमको पढ़ना है पारितंत्र के बारे में कि ये पारितंत्र आखिर होता क्या है। तो जो पारितंत्र होता है वो आपस में क्या होता है, मतलब ऐसी एक अवस्था है, प्लेस है, जहाँ पर जो लोग होते हैं या जो भी जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, परस्पर क्या करती हैं, क्रियाएं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से नदी संबंधित तालाब है, तो तालाब है तो तालाब में मछलियाँ रहेंगी, है ना। तो ये मछलियाँ जो हैं इस पानी के साथ, मतलब उनको पता है कि हमें इसी पानी में रहना है। फिर यहाँ पर जो भी गाय भैंस चरने आ रही है यहाँ से पानी पियेंगी, है ना। इसके बाद यहाँ पे फूल भी खिलेगा, है ना, यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे भी होंगे। इसको ही हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं। जो भी वहाँ पर जीव जंतुआ हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। चलिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। तो रवि जो है ना, तो रवि की कक्षा के जितने भी बच्चे हैं वो NCC कैंप में गए हुए हैं, और जेस्सी नाम की एक बच्ची है, उसने आश्चर्य से कहा, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, ठीक है, कितनी अच्छी, मतलब कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है। इसको देखकर तो मुझे अपने केरला की याद आ गई, ठीक है। तो तुम सबको ना केरल में आकर देखना चाहिए कि बारिश होती है तो कैसे हरे भरे खेतों में और नारियलों के बागानों में लगातार बारिश ही होती रहती है। तो वहीं हीरा नाम का एक बच्चा बैठा हुआ था, वो जैसलमेर का रहने वाला था। उसने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा ही नहीं होती है, हम तो दूर दूर तक हमें सिर्फ केवल कीकर का पेड़ और रेत ही नज़र आता है। तो रवि भी एक बच्चा है वहाँ पर, वो बोलता है, अरे पर तुम लोग के यहाँ पे तो ऊँट भी तो होता है। तो वो क्या कहता है, हाँ, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, पर जब तुम रेगिस्तान में आओगे ना तो तुम्हें वहाँ पर सांप, छिपकली और अनेक छोटे मोटे कीट भी दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो रवि है ना, वो बहुत हैरत में पड़ जाता है कि अलग अलग स्थानों में, विभिन्न विभिन्न स्थानों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ पाए जाते हैं, और जो लोगों का रहन सहन भी होता है वो विभिन्न होता है। ऐसा क्यों होता है, है ना। तो एक दूसरों के साथ, इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। तो शिक्षक ने कहा, बिल्कुल बहुत संबंध है, ये पेड़ पौधे वहाँ में के जो लोगों का रहन सहन है, वहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाएंगे, इनका आपस में बहुत संबंध है, ठीक है। क्योंकि सभी जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं एवं जो मानव है, वो अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, है ना। पेड़ पौधे जो हैं वो बारिश के लिए इंतज़ार करते हैं, पेड़ पौधे पर जो फल लगते हैं, फूल लगते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी होता है, एनिमल्स के लिए उपयोगी होता है। तो सब एक दूसरे के साथ क्या है, हम लोग आश्रित हैं, है ना। तो प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। तो जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहा जाता है, पारितंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। मतलब कि अधिक वर्षा वाले जो वन होंगे, घास स्थल जो होंगे, रेगिस्तान जो होंगे, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तालाब का भी एक क्या होता है, पारितंत्र हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तालाब है, तो तालाब में जो भी तालाब जो है, तो अब ये किसके ऊपर डिपेंड है, तालाब में यहाँ पर जो यहाँ के पेड़ पौधे होंगे वो यहाँ के पानी के ऊपर डिपेंड है, यहाँ के जो जीव जंतु है इस तालाब के ऊपर डिपेंड है, इसमें जो मछलियाँ होंगी इस पानी के ऊपर डिपेंड है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स रह रहा है, उसके घर में पानी की प्रॉब्लम है, तो वो भी इस तालाब के ऊपर डिपेंड है, है ना। तो ये जो परस्पर क्रियाएँ हो रही है, इसको ही क्या कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है, मानवीय पर्यावरण, ठीक है, मानवीय पर्यावरण। तो आप लोगों ने देखा है कि जो मानव होते हैं वो अपने पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, परस्पर क्रियाएं करते रहते हैं, और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वो क्या करते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन भी करते रहते हैं,
है ना। तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के रूप में बना लिया, मतलब पहले के टाइम पे जो भी ह्यूमन बीइंग्स थे उन्होंने पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को उन्होंने चेंज किया, बट उनका जीवन सरल एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। ठीक है, जीवन भी बहुत सरल था, दो रोटी खा लिए या फल फ्रूट्स खा लिए, कंदमूल खा लिए, रूट्स वगैरह खा लिए और बस काम ख़त्म, है ना। तो जीवन बहुत सीधा साधा था इन लोगों का, जो प्राकृतिक जो भी चीज़ें मिल रही थी उनसे उनका फुलफिल हो जा रहा था। बट समय के साथ साथ आवश्यकताएँ अब बढ़ने लगी हैं, है ना। मानव ने क्या किया है, पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके भी सीख लिए हैं, जैसे कि फसल उगाना, पशुओं को पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया है। पहले लोग क्या करते थे, अगर एक जंगल के फल फ्रूट्स रूट्स वगैरह कंदमूल सब ख़त्म हो चुके हैं तो वो दूसरे जंगल में जाया करते थे, बट अभी नहीं है, अब तो हम एक जगह पे ही रहते हैं, है ना। इसके बाद पहियों का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, तो वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, है ना, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति बड़े पैमाने पर हुई, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। ये जो क्रांति आई है ना, इसके वजह से पर्यावरण में बहुत खतरनाक चेंजेस आए हैं। भले ही हमारा जीवन जो है वो सुखदाई हो गया है पहले के कंपैरिजन में, बट जो हमारे पर्यावरण को हार्म हो रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं सब लोग, तो प्राकृतिक एवं मानवीय निर्माण के बीच यही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। जो चीज़ जब ग्रो होगी तभी हमको उसे खाना चाहिए, है ना। तो रवि की कक्षा में एक मिजोरम की लड़की है, उसका नाम है नूरी, और वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है कि जो हमारा मिजोरम है बहुत हरा भरा है, यहाँ पे बहुत वर्षा वगैरह होती है, है ना। तो बात कर रही है वो क्या, अपने हरियाली की बात कर रही है। और खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि जो है कि उदासी देखकर नूरी क्या बोलती है कि छुट्टियों में ना अपने घर मिजोरम आने को कहा उसने, क्या कहा कि तुम छुट्टियों में मेरे घर आना मिजोरम में। तो रवि के जो शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर भी जाएंगे वहाँ के जो भू दृश्य हैं, ठीक है, वहाँ के घर कैसे हैं, वहाँ के जो लोगों के जो क्रियाकलापें हैं, ये सब आप चित्र के माध्यम से हमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पर्यावरण और मानव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पर जो मानव है वो अपनी सहूलत के लिए, अपने कंफर्ट ज़िंदगी के लिए किस प्रकार से पर्यावरण के साथ छेड़खानी कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरी